हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बानिक स्मार्ट क्लास विथ ए न्यू सेशन। आज का जो सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि अभी जो आपका फिलहाल जो आगे का जो एग्जाम है वो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है एसओ का, ठीक है। तो लास्ट टाइम एसओ में आपका 5 क्वेश्चन आया था, कहां से? काउंटिंग ऑफ द फिगर में। तो इसलिए आज मैं ये टॉपिक लेके आया हूं आप लोगों के लिए कि हम लोग कैसे काउंट करेंगे। तो ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आता है कि काउंट द स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है, ट्रायंगल आता है, क्यूब आता है, लेकिन आज हम लोग देखेंगे पर्टिकुलर एक टॉपिक में या एक टाइप ऑफ किसमें, स्क्वायर में। क्लियर? लास्ट टाइम आपको पूछा था वो क्वेश्चन। तो इस साल भी हम लोग सोच रहे हैं कि 5 क्वेश्चन आएगा या उससे ज्यादा आ सकता है। क्लियर? तो इसलिए देखिए स्क्वायर को किस तरह से हम लोगों को काउंट करना है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आपको काउंट करने का कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट से आपका निकल जाएगा। दैट मींस नॉर्मल में कुछ मेथड्स या कुछ फॉर्मूला बताऊंगा उसमें से आपका निकल जाएगा। लेकिन उससे पहले हमको देखना है कि कितना टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वो पूछ सकता है स्क्वायर में। स्क्वायर में आपको पूछ सकता है 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। द फर्स्ट वन इज रो इक्वल टू कलम पूछेगा, एंड द सेकेंड वन इज रो नॉट इक्वल टू कलम। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रो इक्वल टू कलम एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रो नॉट इक्वल टू कलम। ये समझाने को या ये समझने को आपको पहले देखना पड़ेगा कि क्या कि एग्जाम्पल में क्या ले रहा हूं, क्योंकि मैं एग्जाम्पल में पूरा चीज आपको समझा दूंगा कि व्हाट इज रो इक्वल टू कलम एंड व्हाट इज रो नॉट इक्वल टू कलम। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल में चलते हैं। हम लोग का पहला जो एग्जाम्पल है देखिए रो इक्वल टू कलम वाला है। अब यहां पे देखिए आपको पता चलेगा कि ये वाला पार्ट मेरा कलम है, दैट इज कलम 1 एंड दैट इज कलम 2। ये है मेरा रो 1, ये हो गया मेरा रो 2। देखिए यहां पे आपको पता चल रहा है कि मेरे पास कलम कितने हैं, 2 है, रो कितने हैं, 2 है, तो ये इक्वल हो गया। तो ये आ गया मेरा रो इक्वल टू कलम में। इस तरह से 3-3 भी आ सकता है, 4-4 भी आ सकता है, 5-5 भी आ सकता है, 6-6 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये आ गया मेरा रो इक्वल टू कलम में। रो नॉट इक्वल टू कलम क्या होगा कि कलम मेरे पास 3 है, रो मेरे पास 2 है, या रो मेरे पास 3 है, कलम मेरे पास 2 है। ये आ जाएगा आपका रो नॉट इक्वल टू कलम। तो फिलहाल तो अभी हम लोग देखेंगे रो इक्वल टू कलम में, उसके बाद चलेंगे रो नॉट इक्वल टू कलम में। देखिए इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग ने लिख लिया है कि कलम 1, कलम 2, रो 1 एंड रो 2। क्लियर? ये हम लोग काउंट मेथड में यूज नहीं करेंगे, काउंट मेथड में यूज नहीं करेंगे। काउंट मेथड मतलब देखिए ये आ गया छोटा वाला 1, 2, 3 और 4, बड़ा वाला आ जाएगा मेरा 5। ये काउंट मेथड, काउंट मेथड से करने से टाइम ज्यादा लगता है, ये छोटा क्वेश्चन है निकल जाएगा, लेकिन जितना बड़ा हम लोग आगे चलेंगे उससे टाइम टेकिंग लगेगा। तो इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला, या आप लोग बोल सकते हैं कि मेरे पास एक मेथड है जिसको बोलते हैं बेस मेथड, या मैं बोलता हूं बेस मेथड, हम लोग वो मेथड हम लोग यूज करेंगे। क्लियर? तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। पहले हम लोग को लेना है यहां पे 1 और यहां पे 2। क्लियर? यहां पे लेना है 1 और यहां पे ले लिया मैंने 2, क्योंकि रो इक्वल टू कलम है, मैंने 1, 2 ले लिया। फॉर्मूला इसका क्या निकलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। आ गया आपका 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो टोटल नंबर ऑफ यहां पे स्क्वायर है 5। बात खत्म। हम लोग काउंट में भी किए थे 1, 2, 3, 4 और बड़ा वाला 5 मैंने लिया था। देखिए कितना सेकंड लगा, 1 से 2 सेकंड में आपका आंसर निकल गया। क्लियर? अब बात है कि ये आया कहां से, अब बात है कि ये आया कहां से। ये इस तरह से आया है, देखिए ये किस तरह से आया है, ये आया है रो जो लास्ट वाला पार्ट है और कलम का जो लास्ट वाला पार्ट है वो मल्टीप्लाई कीजिए, रो 2 मल्टीप्लाई डू इट कलम 2, और इसको ऐड करना है किसके साथ, रो 1 मल्टीप्लाई विथ कलम 1। तो ये कितना बनेगा, 2 का स्क्वायर बनेगा, ये कितना बनेगा, 1 का स्क्वायर बनेगा। बाय डिफॉल्ट हम वहीं पे ही चल रहे हैं। क्लियर? और इसको बोलते हैं, या इसको मैं बोलता हूं बेस मेथड करके। क्लियर? बेस मेथड कहां से आई, ये फॉर्मूला से आया, ये फॉर्मूला से मैंने बेस मेथड लिया। तो ये फॉर्मूला लिखने का भी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लोग ऐसे भी बना सकते हो। कंफर्म आया समझ में? क्लियर? क्यों मैंने ये फॉर्मूला बताया, क्योंकि जब हम रो नॉट इक्वल टू कलम में चलेंगे ये फॉर्मूला हम लोगों को यूज होगा। कंफर्म? चलिए देखते हैं, और एक छोटा सा क्वेश्चन लेके देखते हैं। चलिए इसमें देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, कलम 1, कलम 2, कलम 3,
दैट इज रो वन रो टू और रो थ्री. इसको नंबर डालिए 1 2 3. सिंपल 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर. ये आ गया 1, ये आ गया 4, ये आ गया 9. तो ये आ गया आपका आंसर 14. अब कितने नंबर ऑफ स्क्वायर आएंगे? 14 नंबर ऑफ स्क्वायर आएंगे. या इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू कलम का मतलब क्या, रो 3 इंटू कलम 3 प्लस रो 2 इंटू कलम 2 प्लस रो 1 इंटू कलम 1. इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं. कंफर्म कितना जल्दी जल्दी देखिए आंसर आ रहा है. और एक मिनट चलिए इसमें, तो इसमें और सिंप्लीफाई हम लोग कर देते हैं. 1 2 3 4. ना कलम लिखने का जरूरत है ना रो लिखने का जरूरत है. आ गया आपका 4:4 में. तो कितना आएगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर. ये आ गया 1, ये आ गया 4, ये आ गया 9 और ये आ गया आपका 16. तो कितना आ रहा है आपके पास? 30 नंबर ऑफ स्क्वायर आएगा आपके पास. क्लियर? अब चलिए कहां पे चलते हैं? रो नॉट इक्वल टू कलम पे. रो नॉट इक्वल टू कलम पे चलते हैं. रो नॉट इक्वल टू अगर कलम है, देखिए मैंने बोला था कलम 1 कलम 2 कलम 3, ये आर 1 ये आर 2. कंफर्म मैंने बोला था. देखिए यहां पे और हम लोग का बेस मेथड यूज नहीं होगा. जो फॉर्मूला हम लोग यूज किए थे बेस मेथड लाने के लिए, वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे. मैंने क्या बोला था? इसका लास्ट से इसका लास्ट को मल्टीप्लाई मैंने किया था, क्योंकि वो इक्वल था इसलिए 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था. लेकिन ये इक्वल टू नहीं है, तो किस तरह से मल्टीप्लाई होगा? रो 2 के साथ कलम 3 मल्टीप्लाई होगा, प्लस होगा रो 1 के साथ कलम 2 मल्टीप्लाई होगा. कंफर्म? क्लियर? अब चलिए ये वाला मेरा पार्ट बच गया, इसको कैंसिल करवा दीजिए. कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है. जो बच गया उसको कैंसिल करवा दीजिए. ये मत कर लेना कि रो 2 के साथ कलम 2 और रो 1 के साथ कलम 1, ये मत करना. ये कब होता है? जब रो इक्वल टू कलम होता है तब जाके होता है. तो मैंने उस टाइम क्या बताया था? इसका लास्ट के साथ इसका लास्ट को मल्टीप्लाई करना है. तो इसका लास्ट क्या है? रो 2 है. इसका लास्ट क्या है? कलम 3 है. तो मैंने मल्टीप्लाई किया. अब बचा कौन? रो 1 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? इसका सेकंड के साथ होगा, कलम 2. अब देखिए ये बच गया मेरा, कितना आ गया? 6. 2 3 6 आ गया, प्लस ये कितना आ गया? 2 1 2 आ गया. तो कितना आएगा यहाँ पे? यहाँ पे 8 आएगा. यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे मेरा 8 आएगा. क्लियर? चलिए नेक्स्ट वाले में चलते हैं. देखिए यहाँ पे देखिए कितना आ गया मेरा? कलम 1 कलम 2 कलम 3. ये आ गया मेरा रो 1 रो 2 रो 3 रो 4. तो किसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? रो 4 के साथ कलम 3 मल्टीप्लाई होगा, प्लस मैं करूंगा रो 3 के साथ कलम 2 मल्टीप्लाई करूंगा. अब क्या करूंगा? रो 2 के साथ कलम 1 का मल्टीप्लाई करूंगा. यहां पे रो बच गया, इसको छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है. जैसे कि लास्ट टाइम हम लोग का एक कलम बचा था उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर लिए थे, यहां पे भी एक रो बच रहा है उसको छोड़ दीजिए. ये कितना बनेगा? आप 4 3 12 बनेगा, और ये 3 2 6 बनेगा, और ये बनेगा 2. तो लगभग देखिए कितना आ रहा है आपका? 20 करके आ रहा है. कंफर्म आपका कितना आ रहा है? 20 करके आ रहा है. क्लियर? समझ में आया इस तरह को किस तरह से बनाना ये टाइप ऑफ क्वेश्चन को? देखिए ये आ गया 3 4 कितना आ गया? 12 आ गया, ये आ गया 6 आ गया, और ये 2 आ गया. कंफर्म? क्लियर? अगर रो इक्वल टू हम लोग का कलम है तो नॉर्मल बेस डालना है, उसका स्क्वायर ले लेना है. अगर रो नॉट इक्वल टू कलम है तो इसका लास्ट के साथ उसका लास्ट, इसका सेकेंड लास्ट के साथ उसका सेकेंड लास्ट, इस तरह से चलना है. जो बचेगा उसको कंसिडर हम लोगों को नहीं करना है, बस इतना सा ही बात है. और ये अगर आपके दिमाग में आ गया तब आप जितना भी चाहे बड़ा सा क्वेश्चन दे आप सॉल्व कर सकते हो. क्लियर? कंफर्म? चलिए आई होप आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आया होगा. तो एक बार जाके देखिए, मेरा एक छोटा सा वीडियो है जहां पे कि मैंने ट्रायंगल के ऊपर बताया है, और मेरा एक नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जिसमें मैं बताऊंगा किसके ऊपर, रेक्टेंगल के ऊपर, कि किस तरह से रेक्टेंगल काउंट किया जाता है. तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू ऑल ऑफ यू. हैव अ गुड डे.